अस्सलाम वालेकुम ऑल इकोनॉमिक लवर्स, आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकानमी अकबर जैदी की बुक जो है उसका 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बेस्ड करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सीएसएस एग्जाम्स, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें पाकिस्तान इकानमी का अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है तो उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो है दे रहे हैं सीएसएस पीएमएस, तो उसमें जो एसए का पोर्शन होता है या पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन होता है या करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है उसमें इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बहुत जो है वो गौर से समझिएगा, और अगर कोई भी आपकी इसके क्यूरीज हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। दिस चैप्टर बेसिकली फोकस ऑन द कॉन्टेम्प्रेरी इशूज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, टेक्सटाइल, इनर्जी शॉर्टफॉल वगैरह, ये जितने भी सारे हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड इशूज होते हैं इस चैप्टर में हम वो कवर करेंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने प्राइवेटाइज करना है या फिर पब्लिक ओन्ड रखना है, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स जो इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसके क्या इशूज हैं, अदर जो शुगर इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, ठीक है, इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री के क्या इश्यूज हैं उनको देखेंगे। एनर्जी सेक्टर के शॉर्टफॉल की वजह से इंडस्ट्री के ऊपर हमारी क्या इम्पैक्ट आता है वो देखेंगे। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर डिफरेंसेस और उनके जो इश्यूज हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के जो नंबर एंड ट्रेंड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि 1950s का जब टाइम था तो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि उस टाइम पे हमने स्टार्ट में इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। और जो हमारा ग्रोथ रेट था वो हर एक साल या दो साल के बाद इवन डबल हो रहा था, ठीक है। देर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 20% 1950 से 55 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उसमें 20% जो है ग्रोथ पर एनम थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि हम जो एड लेते थे या जो हम इंपोर्ट भी चीज़ें कर रहे थे वो भी हम कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे और उनको हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो स्टेबलाइज हो सके। क्योंकि उस टाइम पे ये समझा जाता था कि जिस कंट्री की इंडस्ट्री स्ट्रांग है वो बहुत ज़्यादा रिच इकॉनमी है या वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इकॉनमी है और वो फ्यूचर में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया और एग्रीकल्चरल सेक्टर इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस का शिकार रहा था। कुछ फिगर्स देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। 1950s में 50 to 59 का जो डिकेड था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 8.9% थी। माइनिंग की जो ग्रोथ थी वो 10.5% थी। मैन्युफैक्चरिंग की इसी तरह देखें तो 8.3, लार्ज सेक्टर जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी 17.2, स्मॉल सेक्टर जो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ रेट उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और वो ओवर द टाइम पीरियड वो बहुत ज़्यादा नहीं रही। ऑल दो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है जो SMEs हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी GDP के अंदर, और किसी भी इकॉनमी के लिए स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्लॉटरिंग जो थी इंडस्ट्री स्लॉटरिंग की वो शुरू में तो हमारी डेवलप ही नहीं थी, ठीक है, इसलिए उसके फिगर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। और कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ 11.4% थी। इलेक्ट्रिसिटी और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ जो थी वो 10.8% थी। इसी तरह इसके जो कंपैरिजन में डिफरेंट ईयर्स को हम अगर एनालाइज करें 1970s से 80 तक, फिर 2000 से 2009 तक, तो हम ये देखते हैं कि ग्रोथ ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए, ठीक है, डिक्लाइन में चले गए। जबकि 1950s और 90s के 59 के जो टाइम पीरियड था उसमें जो ग्रोथ रेट थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हमें नज़र आते हैं। अगर हम 2010 से 2012 की बात करें, ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है मेन, उसकी ओवरऑल ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव में थी, नेगेटिव 0.6 थी, ठीक है। माइनिंग जो है सेक्टर उसकी 1.1% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी 3.9 या अराउंड 4% जो है वो ग्रोथ थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी 2.4 और स्मॉल स्केल की 7.5। अब आहिस्ता आहिस्ता लार्ज से स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इमर्ज होने लग गया और इसकी ग्रोथ रेट जो है वो
ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की. ऑल दो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होती है. स्लॉटरिंग की जो ग्रोथ रेट थी वो 4.4% और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसकी 4.9%. इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव में रहे 2.6%. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो 10% रीच की ऑन एवरेज थ्रू आउट 1960s, ठीक है. और लेकिन जो इसमें सब्सटेंशियल हमें रिडक्शन नज़र आता है 1970s के टाइम पे, ठीक है. 1970s के हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पीछे जो इंडस्ट्री के दो चैप्टर्स हैं उसमें हमने डिटेल में इसमें पढ़ा है कि जो 70s का टाइम पीरियड था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट जो है वो किन किन रीजंस की वजह से बेहतर नहीं थी. एक तो उस टाइम पे जो कंट्री के अंदर फ्लड आ गया, ठीक है. उसके अलावा 1971 में जो हमसे बांग्लादेश का हिस्सा जो है अलहदा हो गया, ठीक है. और कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में थी उस टाइम पे. इस वजह से हमारा ग्रोथ रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ चले गए. अगर आप उन वीडियोज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है. आप वहाँ से जाके उनको डिटेल में देख भी सकते हैं. 1980s में देर वॉज अ इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 8.21%, ठीक है. फिर 1980s में जो टाइम पीरियड आया ज़िया का, उसमें ग्रोथ रेट जो थे दोबारा इम्प्रेसिव हुए. नेशनलाइजेशन की तरफ हम गए, ये भी हमने थोड़ा पीछे डिस्कस किया था, ठीक है. तो ग्रोथ रेट जो थे दोबारा इम्प्रूव हुए. बूमिंग ट्रेंड जो आया इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का, वो विटनेस किसका था कि 1990s में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई ये चीज़ें, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. लेकिन जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद ये चीज़ें दोबारा डिक्लाइन में चली गई. अगर हम स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट फ्यू ईयर्स जो थे 1959 से 62 तक, उसका ट्रेंड जो था वो ग्रोथ ट्रेंड बिल्कुल जो है लो था, 2.3% पर एनम पे था, ठीक है. इससे इसके बाद अगर अगले 8 साल उसकी बात करें ग्रोथ ट्रेंड की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी, तो ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई. 2.3 से 2.9 पे हम चले गए, ठीक है. एट दैट टाइम भुट्टो इरा इट वाज 7.3, ठीक है. यानी 1970s में ये 7.3% थी. भुट्टो के टाइम पे स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो काफ़ी इमर्ज हुआ और उसकी ग्रोथ बेहतर हुई. 1977 से 1990 तक ये कंसिस्टेंट इसकी ग्रोथ रेट रही 8.4%. 1990 के बाद क्या हुआ कि ट्रेंड फिर डिक्लाइन के चला गया और 5.3 पर एनम जो है वो परसेंटेज चलेगी ग्रोथ रेट की. फ्रॉम 2000 टू 2012 इट वाज 7.5%. और स्मॉल स्केल और इनफॉर्मल सेक्टर जो थे इज मच मोर डायनेमिक एंड प्रोडक्टिव देन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है. अब जो स्मॉल स्केल सेक्टर होता है वो ज़्यादा डायनेमिक होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ईजी होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. और इसके अलावा इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर्स की भी इस तरह से ज़रूरत नहीं होती. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो जल्दी उसमें पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता है ग्रो करने का एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है. लार्ज स्केल लाइक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हैव बीन इक्वली वायलेटेड. इस टाइम पे ये काफ़ी वायलेट हुए. कंस्ट्रक्शन हैज़ एक्सपीरियंस्ड ह्यूज ग्रोथ इन वन पीरियड फॉलोड बाय नेगेटिव. अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि कंस्ट्रक्शन अगर एक टाइम पे पीरियड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर 2-3 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है तो कुछ साल जब उसकी मुदत पूरी होगी तो वो 2-3 साल तक अगले जो है वो कंस्ट्रक्शन में डिक्लाइन आ जाएगा, या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए नया कोई प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट नहीं होगा. अब ये जो फ्लक्चुएशंस आई कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल जो लार्ज प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. और हमारी जो हुकूमत थी उसके पास फाइनेंशियल डेफिसिट था, जिसकी वजह से हम लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सके. डैम्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए और दूसरे लार्ज स्केल जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उनको तैयार करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं थी, इस वजह से उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया.
इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ईयर में जो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू होती है वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल होती है उस एरिए की, ठीक है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो फॉर्मेशन थी वो डबल हुई, डबल होती है अगर इन्फ्लेशन डबल हो जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन जब आता है कंट्री के अंदर, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई होता है तो चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और लोग जो है उस चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। डिमांड जब कम करते हैं तो जो आपकी चीज़ें हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल है वो भी डबल हो जाती है। वी कैन कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्राइवेट पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस, अगर हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो या जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हों, जिनको हैवी मशीनरीज जो है वो रन कर रही हों, या रोबोट्स जो हैं वो रन कर रहे हों, या कंप्यूटर के थ्रू, या बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स जहाँ पे चाहिए हो, वो एक हैवी इंडस्ट्री होती है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। लेकिन एक ये सरप्राइजिंग फैक्ट हमारे लिए क्या है कि जो मेजॉरिटी हमारी एम्प्लॉयमेंट की है कंट्री में, ठीक है, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो कैप्चर हुई हुई है, ठीक है। वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो इनफॉर्मल और या जो स्मॉल स्केल सेक्टर है हमारा वो डोमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट को इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जितने भी चीज़ें बिल्डिंग्स को बनाना, घरों को बनाना, रोड्स को बनाना, ठीक है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो ये जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं, इवन कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड शॉर्टेज इंडस्ट्री, स्टोरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, चीज़ों को प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करने की जो इंडस्ट्री, अचार बनाने की इंडस्ट्री, ये छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जिनमें बहुत जो एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं लोगों को, क्योंकि इसमें एक तो खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें बहुत हैवी वेज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी नहीं होते, बल्कि मिनिमम वेज के ऊपर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ होती हैं उनको हायर कर लिया जाता है, या फिर मोस्टली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो हाउस होल्ड जितने भी वर्कर्स होते हैं जो उनको जो वेज के बगैर ही काम करने पे विलिंग होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर एक समोसा बनाने की फैक्ट्री है जो कि छोटी सी किसी ने घर में खोली हुई है, तो वो अपने घर के तमाम जो मेम्बर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके उसकी शीट बनाने में और उसकी फिलिंग प्रिपेयर करने में उनसे मदद ले लेगा और उनको वेज भी नहीं दी जाती। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू भी थोड़ा सा जनरेट हो रहा है और कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई भी है, एटलीस्ट जो लोग घर के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 1972 में फॉर्मल जो सेक्टर था वो हमारा डोमिनेट करता है और डोमिनेटेड था अर्बन एम्प्लॉयमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग, बट 1984 में क्या हुआ कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो डोमिनेट हुआ और अर्बन सेक्टर के ऊपर। इन अर्बन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देयर वर 98% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। अर्बन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तकरीबन 98% जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि स्मॉल स्केल थे और अनरजिस्टर्ड थे। बेसिकली जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं वो अनरजिस्टर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को तो उन्हें हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारी और गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। इस चीज़ से बचने के लिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटी इंडस्ट्री, अचार बनाने की इंडस्ट्री, जैम बनाने की इंडस्ट्री, या फिर और छोटी कोई इंडस्ट्री, या हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाने की चीज़ें, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं और जो कि अपने आप को लोग रजिस्टर नहीं करवाते, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री थी वो ऑक्यूपाई कर रही थी 51.4% ऑफ वर्क फोर्स। अगर 2001 में देखा जाए तो SMEs जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 90% ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ठीक है, और कंट्रीब्यूट करती हैं तकरीबन 30% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये एक लार्ज पोर्शन ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एंड 25% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, क्योंकि जो चीज़ें हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो बन रही होती हैं, ठीक है, वो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती हैं, पेंटिंग्स हो गई या फिर एम्ब्रॉयडरी आइटम्स हो गए, शूज़ वगैरह हो गए, ठीक है, या स्पोर्ट्स की कोई प्रोडक्ट्स हो गई, वो बाहर के मुल्कों में जाके बहुत ज़्यादा महंगे दामों बिकती हैं, तो ये 25% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग का भी जो है सोर्स है, एंड एम्प्लॉय 78% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, ठीक है, एग्री बेस्ड वर्कफोर्स नहीं होती, बेसिकली ये जो है दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है पैकेजिंग में किसी चीज़ की, या लेदर गुड्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और वो स्मॉल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ग्रोथ रेट ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 1986 से 1996 तक जो ग्रोथ रेट था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो 8.4% था, और 1997 से 2000 तक का अगर देखें तो वो 5.31% था, और 2000 से 2012 का देखें अगर तो जो ग्रोथ रेट था वो 7.5% था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी नहीं है। अब कुछ इश्यूज देख लेते हैं हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, ठीक है, थ्री इनफॉर्मल द इनफॉर्मल सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ SMEs are expanding more rapidly than formal sectors, ठीक है, अब informal sector जो है वो expand ज़्यादा करता है, जल्दी उसकी growth होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तो resources की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा heavy investment की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा heavy workforce जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत highly rented आपको buildings की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, so इसलिए इसके अंदर ज़्यादा potential होता है कि ये जल्दी और rapidly expand कर जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर यूनिट्स आर करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो इनमें एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बहुत लो लेवल की होती है, और हाई इंसिडेंस ऑफ अनवेज फैमिली वर्कर्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि ऐसे वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं जो अनवेज होते हैं, जिनको काम जिनको तनख्वाह जो है वो नहीं दी जाती। फोकस ऑफ इनफॉर्मल स्मॉल स्केल यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इज लेड सोशली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इनका बेसिक जो मोटिव होता है वो एक तो एफिशिएंट एलोकेशन होती है कैपिटल की, और जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ये इनको आइडिया होता है कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी होगी और उसमें कितना कैपिटल लगेगा, तो वो एफिशिएंटली उसमें कोई चीज़ ज़ाया होने की या कोई नुकसान होने का गुंजाइश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे के पास स्किल है कि वो कपड़े सिलाई कर सकता है, ठीक है, तो वो एक मशीन लेगा या दो मशीनें लेगा, अगर घर में दो बंदे सिलाई कर सकते हैं तो वो कपड़े सिलाई करके आगे उनको किसी भी शॉप पे जो है वो सेल कर सकते हैं, तो इससे उनका कोई कैपिटल जो है वो लॉस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हम इसको कह सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ लार्ज स्केल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर ड्यू टू ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ होता है लोगों ने, तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी भी हाई एक्सपेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट डू नॉट असाइन एनी प्रॉपर डिवेलपमेंट रोल ऑफ टू SMEs, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डिवेलपमेंट रोल कोई SMEs को असाइन नहीं करती, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये आइडिया ही नहीं फिलहाल होता कि कितनी अमाउंट SMEs की कंट्री के अंदर मौजूद है और कितने स्केल के ऊपर लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब इशूज़ क्या हैं, डिमांड साइड इशूज़ देख लेते हैं SME फाइनेंसिंग के। सबसे पहले तो क्या है कि कोलेटरल्स नहीं होते उनके पास, ठीक है, टू मीट बैंक रिक्वायरमेंट्स, बैंक की, क्योंकि अगर वो कोई फाइनेंस करने के लिए अपने आप को या कोई बॉरविंग के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक जो है सबसे पहले आपसे कोलेटरल मांगता है, कोई आपके पास ऐसी चीज़ जो आप गिरवी रखवा सकें बैंक के पास, कोई जमानत के तौर पर कोई चीज़ ऐसी हो, ठीक है, तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आप ताकि अगर आप डिफॉल्ट कर जाएं आप बैंक को पे ना कर सकें तो उसके पास कोई सिक्योरिटी हो। तो जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटे
छोटे लेवल पे काम करने वाला बंदा, फॉर एग्जाम्पल जो समोसा बनाने वाला बंदा, उसके पास तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो वो कोलेट्रल रखवा सके। तो इसलिए लोग जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं बॉर्विंग के लिए, बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर से बॉर्विंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स वगैरह से कहीं से बॉर्विंग करके अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ एसएमईज, ठीक है, एसएमईज जो है वो उनकी रिलक्टेंस होती है बेसिकली। इनफॉर्मल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उनका इनफॉर्मल अकाउंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम इनफॉर्मल होती है, ठीक है, कोई खास सिस्टम नहीं उन्होंने बनाया हुआ होता या खास अकाउंट सिस्टम को अपने होल्ड नहीं किया हुआ होता कि इस मंथ में इतनी पैसे आएंगे या इस मंथ में जो है इतना उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, इतनी कॉस्ट आएगी, कोई खास अकाउंट मैनेज नहीं किया हुआ होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो भी इनफॉर्मल होता है। घर में जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं काम के अंदर, ठीक है, तो उन्हें जो है प्रॉपरली कोई पोस्ट डेजिग्नेट नहीं करनी पड़ती उनको कि कोई मैनेजर है और कोई जो है वो बीच में सेल्स का काम देख रहा है, ठीक है। सो सब मिलके जो है वो कलेक्टिवली कोलैबोरेटिव काम हो रहा होता है। फिर लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक विजन, उनका बिजनेस प्लानिंग भी कोई खास नहीं होती, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक विजन भी नहीं होती, बस वो अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, जितना उनके पास इन्वेस्टमेंट या जितना उनके पास कैपिटल होता है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपने बिजनेस को उस हिसाब से एक्सपेंड करते जाते हैं। अब सप्लाई साइड के क्या इशू हैं, एसएमई फाइनेंसिंग के जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं उसमें शॉर्टेज ऑफ मार्केटिंग है, स्किल्स है, एफर्ट ऑन पार्ट्स ऑफ बैंक, ठीक। दूसरा क्या है कि एसएमई जो है वो परसीव अ हाई रिस्क बॉरोअर, ठीक है, एसएमई जो है हाई रिस्क बॉरोअर्स होते हैं, क्योंकि अगर काम करना जो है, फॉर एग्जाम्पल एक ही बंदा जो है वो घर में उसके पास स्किल है जो कपड़े सिलाई करता है और खुदा ना हास्ता उसकी कोई डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो हाई रिस्क बॉरोअर्स भी होते हैं। और कॉर्पोरेटिव फाइनेंस माइंडसेट होता है इन लोगों का, लैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एसएमई बिजनेस होता है, इनके पास स्ट्रक्चर बेसिकली बिजनेस का नहीं होता, हाई लैंडिंग कॉस्ट होती है इनकी, और एब्सेंस ऑफ एसएमई जो है रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर इन बैंक होते हैं, ठीक। अब इनकी कुछ सजेशन और रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द रिव्यूड लिटरेचर जो हमने देखा पीछे के क्या है, फॉलोइंग आर द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू एनहांस एसएमई लैंडिंग, ठीक है, कुछ ऐसी सजेशंस हैं जो कि एसएमई लैंडिंग में जरूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट इंटरवेंशंस थ्रू गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और इनडायरेक्ट थ्रू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेज एसएमई लैंडिंग, ठीक है, ऐसी एनवायरनमेंट जो है गवर्नमेंट को इनिशिएट करनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए कि लोग जो है वो इजीली फॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू अपने आप को फाइनेंशियली इंक्लूड करवा सकें, जिसमें सबसे पहला जो है प्रो मार्केट एक्टिविटीज़म थ्रू गवर्नमेंट ओन बैंक्स, सेकंड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, लीगल और एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज होती हैं और इनोवेटिव मार्केट डिवेलपमेंट इनिशिएटिव्स होती हैं, ठीक है। अगर आप पूरा जो है एसएमईज को इससे ज़्यादा मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो एसएमई रोल ऑफ एसएमईज इन पाकिस्तान सेक्टर जो है वो मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो जो है विद रीसेंट फिगर्स जो है उसको देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कोई क्यूरीज हैं आपकी लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है, हैप्पी लर्निंग।